इधर उमेश पाल की हत्या के 13 दिन पूरे होने पर उनके घर पर शांति पाठ का आयोजन किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुए शांति पाठ में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे। उन्होंने मृतक उमेश पाल की पत्नी जयपाल और मां शांति देवी को सांत्वना दी। उमेश पाल की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि जो लोग भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं वह किसी न किसी तरीके से इस हत्याकांड की साजिश में या तो शामिल है या फिर ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि जो लोग भी ऐसे भस्मासुर को संरक्षण देने की कोशिश करेंगे एक न एक दिन इसका शिकार उन्हें भी होना पड़ेगा। किस तरीके से परिवार जन मैं उमेश पाल जी के बहुत अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे, उनको आत्मा को शांति मिले, परिवार वालों के महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। मंत्री जी, सवाल इनकाउंटर पे उठा रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि जो इनकाउंटर ऐसे विपक्षी लोग जो इनकाउंटर पे सवाल कर रहे हैं उनका या तो अपराधियों को संरक्षण है या वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, धर्म नहीं होता, पार्टी नहीं होती है। उनका जात धर्म और पार्टी अपराध करना होता है। ऐसे भस्मासुरों को जो लोग पालेंगे एक दिन